नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस बाय रॉबर्ट लैंड। सबसे पहले तो इसके ऑथर रॉबर्ट लैंड कौन है उसके बारे में जानेंगे। तो ऑथर लैंड ग्रेटेस्ट एसेइस्ट है 20th century के। उसका बॉर्न हुआ था 20th अप्रैल 1879 और डेथ हुई थी 6 अक्टूबर 1949। As an essayist, he followed the footsteps of Goldsmith and Charles Lamb. Robert Land के बारे में कुछ जानते हैं। Robert Land is a personal and autobiographical essayist, यानी कि Robert Land एक ऐसे author है जो logical essay पर लिखते हैं, वो भी अपने खुद से। He was British writer. His essays reveals humor, satire, light-heartedness. यानी कि उसके essays में humor, यानी comedy, कटाक्ष और हल्का हृदय, यानी कि एकदम निश्चल हृदय का परिचय होता है। इस ऐसे में हमें बताया गया है कि एक इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता में भी एक प्रकार का आनंद होता है। और आप सोचेंगे कि अज्ञानता में भला कैसा आनंद होता है। आप ही सोचें कि 2 साल के बच्चे को हमेशा खुशी क्यों होती है, वो हमेशा हैप्पी क्यों होता है? क्योंकि उसको कोई काम नहीं होता है। और उसको कोई काम क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास काम करने जितना ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो हमेशा खुश होता है। इससे ये बात जाहिर होती है कि जो व्यक्ति अज्ञान है वही खुश है। रॉबर्ट लैंड सर कहते हैं कि कुछ लोग ये तो ये जाने बिना ही मर जाते हैं, या फिर पूरी ज़िंदगी में वो ये नहीं जान पाते हैं कि बीच लीव्स, बीच ट्री है उसके लीव्स और एल्म लीव्स, एल्म ट्री है उसके लीव्स में क्या फ़र्क होता है। और इतना ही नहीं, ये बीच ट्री की बात हमने की वो तो है अज्ञानता की, और वो कैसी अज्ञानता है कि हमने कुछ वो उस बारे में जाना नहीं है। लेकिन अब जो एग्जांपल वो देते हैं, यानी कि मेल कुकू और फीमेल कुकू का, मेल कुकू और फीमेल कुकू दोनों ही गाते हैं, लेकिन जब वो गाते हैं तब कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि कौन सा गा रहा है, ये मेल कुकू गा रहा है या फिर फीमेल कुकू गा रहा है। सब ये देखते हैं कितना अच्छा गा रहे हैं। इसीलिए हम ये बात से ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाते हैं, या फिर इग्नोरेंस है कि कौन सा कुकू गा रहा है। इस बात को सरलता से समझें तो जब कोई चीज़ पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाती है। वॉट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग अबाउट